आज इस वीडियो में आप लोगों में ये बताने वाला हूँ, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इस कंडीशन में आप अपना फेसबुक अकाउंट कैसे बनाओगे। तो देखिए, विदाउट मोबाइल नंबर फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को फॉलो करना होगा सही से, तभी आप अपना फेसबुक अकाउंट बना पाओगे। ये सबसे पहले आपको फेसबुक का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। अब देखिए दोस्तों, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है और आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो तो देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है और आपको अपने अकाउंट को फिर से रिकवर कर लेना है जो आपका पहले अकाउंट था। अगर आपको पता नहीं है कि पुराने अकाउंट को कैसे रिकवर किया जाता है तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जो आपकी जीमेल होती है वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी, और आप अगर अपने जीमेल का नाम का ही फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको अपनी जीमेल पे क्लिक कर देना है। जो नेम आपकी जीमेल पे होगा वही नेम यहाँ पे आपके फेसबुक अकाउंट में भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा जीमेल है, मैं इस नेम से अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपका जो नेम डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि देखने के साथ समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है जिस नेम से आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड आपको सरनेम डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा नेम है वो मैं डाल लेता हूँ। फर्स्ट नेम सरनेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, लेकिन दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस चीज़ को आप सही से नहीं समझोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अपने फेसबुक अकाउंट पे। तो आप चाहते हो कि आपके फेसबुक अकाउंट पे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, जैसे लॉगिन अप्रूवल वाली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है या फिर डिसेबल कर दिया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम अगर चाहते हो कि आपको आपके अकाउंट पे ना देखने को मिले, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले इस चीज़ को सही से सुनिए और फॉलो कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको बोला गया है ये चीज़ को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हो और अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर देते हो, आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है 100%। देखिए जो भी नेम यहाँ पे इंटर करने वाले हो वो नेम आपका रियल लाइफ में जो है वही इंटर करना है, ठीक है। करने को तो आप कोई भी नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नेम से आप अकाउंट बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक अकाउंट पे बाद में आपको प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पहले ही बताया जाता है जो आपका रियल लाइफ में जो नेम है वही डालना है यहाँ पे, ताकि आपके फेसबुक अकाउंट पे आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से अपने अकाउंट को वेरीफाई करके अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप और किसी नाम से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, बना लेते हो, तो उसके बाद में आपको जब बोला जाता है कि अपना जो डेट ऑफ बर्थ डालना है या फिर आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फेसबुक अकाउंट में जो नेम है वो यहाँ पे आपने अलग डाला हुआ है और जो आपका रियल लाइफ में जो आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नेम है वो अलग होता है। तो इस वजह से आपके फिर फेसबुक अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है जब आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो। तो देखिए जो भी आपका रियल लाइफ में जो नेम है वही आपको एंटर करना है, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ। तो देखिए आपको जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है इस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट आगे जाके लॉक हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो उम्र है, आपका एज है वो क्या है, वो यहाँ पे बताना होता है। देखिए यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने वाले हो वो सही डालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सही नहीं डालते हो
तो आपका फेसबुक अकाउंट आगे जाके कभी भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 13 साल से कम है, ध्यान से सुनिए इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी एज 13 साल से कम है फेसबुक अकाउंट में, तो आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। आपको मेल मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट इतने दिनों में डिसेबल कर दिया जाएगा। तो आप जब भी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका जो एज है वो 13 साल से कम नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे आप अभी डेट सेलेक्ट करने वाले हो, जो आपका जो एज है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे 13 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 13 साल से कम आप डेट डालते हो अपना, तो आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा और आप कभी भी इसे रिकवर नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जो भी यहाँ पे आप डेट डालने वाले हो वो 13 साल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक की जो पॉलिसी है वो ये है कि 13 साल से कम वाले फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें डेट में क्या डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो भी आपका डेट है वो सही डाल लेना है। जब आपने डेट ऑफ बर्थ अपना सही डाल दिया है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आपको बोला जाता है व्हाट इज़ योर जेंडर। आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बोला जाता है इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से ये फेसबुक अकाउंट बनाना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा मोबाइल नंबर डालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके मम्मी पापा या आपके भैया जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनके पास कोई भी एक मोबाइल नंबर है जो यूज़ करते हैं अपने फैमिली में, ठीक है, उनका किसी का भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। क्योंकि यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर से चाहे जितने अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके मम्मी का पापा का किसी का भी अगर आपके घर में फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनका जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। और वो मोबाइल नंबर डाल के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और फिर आपको कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करना है या फिर आपको कुछ भी करना है तो आपको वो मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। आपको उसके बाद में एक जीमेल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अपना जीमेल ऐड कर देना है। और जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो अगर आप चाहते हो तो वहाँ से रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते तो उसे रहने दीजिए, ताकि आप कभी भी अपना अकाउंट रिकवर करना चाहो तो आप उसी मोबाइल नंबर से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिसका भी मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर सेफ नहीं है आपके लिए, तो आपको उसका मोबाइल नंबर रिमूव कर देना है। मोबाइल नंबर कैसे हटाया जाता है, यानी कि कैसे रिमूव किया जाता है, इस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अगर आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर से नहीं बनाना चाहते और आप किसी की ईमेल से बनाना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आप ईमेल से अकाउंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन अप विद ईमेल एड्रेस। तो आप अपने ईमेल एड्रेस से उससे भी अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो। आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। अगर आप अपना ईमेल से नहीं बनाना चाहते हो तो मोबाइल से बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको मोबाइल से ही बनाना बताऊंगा कि मोबाइल नंबर से कैसे बनाया जाता है। जब आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आपको बोला जाता है चूज ए पासवर्ड, यानी कि आपको एक पासवर्ड डालना है यहाँ पे अपने इस फेसबुक अकाउंट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है ताकि आपके फेसबुक अकाउंट में कोई भी लॉगिन ना कर पाए आपके अलावा। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे डाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे डाला जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और अपना नेम डाल देते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और उनके अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे डाला जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोबाइल स्क्रीन पे,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो इस तरीके से डाला जाता है। आप इससे भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मल पासवर्ड नहीं डालना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नेम डाल के आप एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आपका अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लेना है क्रिएट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसी पासवर्ड से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला जाता है Add your email address। आपको अपना वो email address add करना है। अगर आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको एक यहाँ पे email address add कर देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे email add कर भी सकते हो। अगर आपके पास email नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा email add करना है, तो आपको जल्दबाजी में यहाँ पे कोई भी email add नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा email add करें, तो आपको स्किप कर देना है फिलहाल, और बाद में आप अपना email add कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि email कैसे add किया जाता है Facebook अकाउंट में, तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर email add करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो भी email आप add करना चाहते हो उसके सामने यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो जैसे मैं ये फर्स्ट वाला ही जो मेरा email है, मैं इसे ही ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा तो मैं अपना वो मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूं जो मैंने मोबाइल नंबर से ये अकाउंट बनाया है, और ये वाला जो ईमेल एड्रेस है इसको डाल के और पासवर्ड डाल के भी मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूं। बल्कि दो एक्सेस मिल जाते हैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, एक आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका जो ईमेल एड्रेस है। तो यहां पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो ऐड करना चाहता हूं यहां पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहां पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लास्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी है फेसबुक की, जो प्राइवेसी है, उसके बारे में आपको बताया गया है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है कि आपको कौन सी वो गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है, और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर आपको यही सब बताया गया है कि आपको फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, आपके इस मोबाइल नंबर पर जो भी अपडेट होंगे वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको ये भी बताया गया है कि आपका जब ये अकाउंट अभी क्रिएट होगा, जैसे आपका अभी अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इस अकाउंट को रिकमेंड किया जाएगा आपके फ्रेंड्स लोगों को, यानी कि फेसबुक पे जो भी आपके आसपास में जो भी लोग होंगे, जो कि आपके गांव विलेज शहर में जो भी रहने वाले हैं, या जिनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, तो उनको आपका ये अकाउंट सजेस्ट किया जाएगा कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ अपने इस फेसबुक अकाउंट पर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको समझना होगा सही से। देखिए, आपने जिस नेम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है, अगर इस नेम से पहले भी कोई अकाउंट होगा फेसबुक पे, यानी कि किसी ने पहले भी आपके इसी नेम से किसी ने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि पहले इस नेम से कोई अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट इस नेम से है पहले, तो यहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि इस नेम से किसी का अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर नेम के लिए बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे ये नेम जो आ रहा है यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, है तो कुलदीप ही, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसी नेम से सहमत हो, आप अगर इसी नेम से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये जो नेम है मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं इस नेम से अकाउंट अपना क्रिएट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यूज़ ए डिफरेंट नेम। यहाँ पे आप क्लिक करके और अपना जो नेम है चेंज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हो इसी नेम के साथ, तो आप बाद में भी अपना नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि नेम कैसे चेंज किया जाता है, तो इस पे भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा कि नेम कैसे चेंज किया जाता है। तो फिलहाल मैं इसी नेम से अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला तो आपको देखने को मिलता है नॉट नाउ, ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है सेव पासवर्ड। तो अगर आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए जिस मोबाइल नंबर से आपने ये फेसबुक अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे वो पासवर्ड देखने को मिलता है जिस पासवर्ड से आप इस अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। मैं इसे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जाता है ऐड योर फोटो, आपको जो भी अपना प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना है तो यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करके अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हो। अगर आप अपना फ़ोटो ऐड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखिए जैसे आप स्किप करते हो तो आपको यहाँ पे बोला जाता है ऐड फ्रेंड, अगर आप ऐड फ्रेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर भी सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप स्किप पे क्लिक करके स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ऐड फाइव फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है इनवाइट योर फ्रेंड्स, यानी कि आप उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हो अपने इस फेसबुक अकाउंट पर जिनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं। तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके कॉन्टैक्ट बुक में ऐड होते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके ऐड हैं मोबाइल नंबर वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और इनको आप इन्वाइट कर सकते हो। अगर आप इन सभी को इन्वाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वाइट ऑल पे क्लिक करके आप सभी को कर सकते हो। अगर एक एक को इन्वाइट करना है तो यहाँ पे आपको इन्वाइट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में इनके पास रिक्वेस्ट चला जाता है और वो आपसे जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे किसी को भी इन्वाइट नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मेरा फेसबुक अकाउंट बन चुका है और इस तरीके से आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट बना लेना है। और फेसबुक अकाउंट बनाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है इस वीडियो में। अगर एक बार वीडियो देखने से अगर समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे आपको फेसबुक अकाउंट बनाना है। और दोस्तों यहाँ पर अब आप कुछ भी चीज़ें अपडेट करनी है आपको तो आपको एक दिन बाद अपडेट करनी है। जैसे आज आपने ये फेसबुक अकाउंट बनाया है तो आज आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है, आपको कल अपडेट करना है। जैसे कि अपना नेम, अपना प्रोफाइल कुछ भी करना है ऐड, तो आप एक एक चीज़ें ऐड कर सकते हो। और दोस्तों फेसबुक अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेते हो उसके बाद में जो आपके फेसबुक अकाउंट की जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट की जो सिक्योरिटी सभी ऑन नहीं करते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक भी हो सकता है। तो फेसबुक की जो सिक्योरिटी होती है उसे कैसे ऑन किया जाता है तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।